So finally, the beautiful shining Mercedes is here. आपके पास एक रिमोट आता है इस तरीके का, इस किट के साथ। इस रिमोट से आप इसका बैक कैमरा स्विच कर सकते हैं, इस तरीके से फ्रंट कैमरा देख सकते हैं। चार हमें अच्छे स्पीकर चाहिए, चार कंपोनेंट्स चाहिए, मैं भी बोल सकते हैं इस चीज को। इसके साथ देखो, इस गाड़ी में अगर हम बात करें फॉर द एंटायर ऑडियो सेटअप, द फ्रंट हेड यूनिट सेटअप जिसमें हमने 10.25 वाला एंड्रॉयड सिस्टम लगाया है। So what's up people, hope you are doing absolutely fine and your speedy Singh is back again. So आज की वीडियो का आपने टाइटल एंड थंबनेल पढ़ लिया एंड यस, आज हम बहुत ही अच्छा ऑडियो अपग्रेड करने वाले हैं एक बहुत ही खास गाड़ी में। कहां से हो रहा है तो वो बताता हूं सबसे पहले, एंड सबसे पहले मिलवाता हूं सचिन जी से। तो सचिन जी, क्या हालचाल है? हाय हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं कारमैन पर, थोड़ा कारमैन के बारे में बताइए। कारमैन अपने आप में कंप्लीट एक्सेसरी स्टोर है, मतलब वी ट्राई टू प्रोवाइड द कस्टमर ईच एंड एवरीथिंग जो एक कार में रिक्वायरमेंट रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द लग्जरीज, लाइक कार इंटीरियर्स जिसमें आप पूरा इंटीरियर मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट, कार ऑडियो चाहे आप बेसिक लगवाना चाहे 10,000 का सेटअप, चाहे आप एक प्रीमियम लगवाना चाहें लाख और लाख प्लस का सेटअप, योर चॉइस। वी हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब नीचे से ऊपर तक हर चीज का सॉल्यूशन है। वी हैव द सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऑडियो अपग्रेड इनसाइड मर्सिडीज। मॉडल कौन सा है? इट्स अ मर्सिडीज सी क्लास 2017। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या करा गया उस गाड़ी के अंदर एंड कितनी रिफाइनमेंट करी गई है उस गाड़ी के ऑडियो सेटअप के अंदर। सो बिना टाइम खराब करे करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, स्पीडी सिंह की फैमिली से जुड़ो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और ये वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसलिए बेल आइकन भी दबा दो। सो जैसे आपको सचिन जी ने बताया कि कारमैन पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पूरा स्टोर जहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल है, मेड बी ऑडियो सेटअप, मेड बी ग्रिल्स, एंड मेड बी सम पिक्चर्स इमेजेस जो आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, मेड बी हॉर्न्स। और अगर हम इधर की बात करें तो सीट कवर्स मिल जाते हैं आपको, मैट्स मिल जाते हैं। तो सचिन जी, आई वॉन्ट के थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि हमने प्रोडक्ट्स कौन से यूज करे हैं एंड व्हाई हैव वी यूज्ड दोस प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, स्पेसिफिकली देखिए, ऑडियो सेटअप के अंदर जब हम बात करते हैं स्पीकर्स का, एम्पलीफायर्स का एंड वूफर्स का, तो दिस इज एंटायरली द कॉल ऑफ द कस्टमर कि उसको साउंड कैसा चाहिए। अगर तो वो चाहता है साउंड जो कि मैं एक डिसेंट क्वालिटी एंजॉय कर सकूं, स्पेशली साउंड क्वालिटी फील कर सकूं इन कैबिन, तो उसके लिए चार अच्छे स्पीकर्स हों जिसे हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, प्लस नंबर टू उन कंपोनेंट्स को ड्राइव करने के लिए एक फोर चैनल एम्पलीफायर, बिकॉज फैक्ट्री फिटेड हेड यूनिट का पावर सबको ही पता है कि वो काफी वीक होता है। ओके, सो अल्टीमेटली आपको एक पिच, एक क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा टिल द टाइम आप एम्पलीफायर ऐड नहीं करोगे। सो बेसिकली एक एम्पलीफायर चाहिए हमें, चार हमें अच्छे स्पीकर चाहिए, चार कंपोनेंट्स चाहिए, मैं भी बोल सकते हैं चीज को। इसके साथ अब बात बच जाती है हमारी बेस की। अब कई कस्टमर्स बेस लाइक करते हैं आउट कैबिन, तो उनको वूफर चाहिए हाई पावर, लाइक 2000 PMPO, 3000 PMPO एंड बियॉन्ड। बट वेन वी से कि एक कस्टमर को डिसेंट क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए एक 500 RMS का सबवूफर भी मोर देन सफिशिएंट रहता है, जो कि अगर एक भी हम लगा दें, चाहे वो सेडान है, चाहे वो हैचबैक है, चाहे वो SUV है, सो वो सेटिस्फाइंग बेस आपको इन कैबिन प्रोवाइड करेगा एंड यू विल बी डीपली सेटिस्फाइड। नाउ अब इस सी क्लास वाले जो कस्टमर हैं हमारे, इनका रिक्वायरमेंट था कि एक मुझे अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, जैसे एक बोस के होम थिएटर में आती है इन कैबिन, लाउड बट क्लियर, डिस्टॉर्शन फ्री साउंड। सो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक फोर चैनल एम्पलीफायर ले, विच इज DD ऑडियो C460 इसका मॉडल है। इसको हमने ड्राइव दिया है चार कंपोनेंट्स के साथ। कंपोनेंट्स हमने यूज करे हैं इसके अंदर कापा सीरीज, ये इन्फिनिटी का टॉप एंड सीरीज है, कापा सीरीज। इन्फिनिटी में तीन वेरिएंट्स आते हैं, द बेसिक इज प्राइमस, सेकेंड इज रेफरेंस, थर्ड इज कापा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग फॉर कापा। कापा सीरीज के हमने कंपोनेंट्स यूज करे हैं, इसको हमने ड्राइव दिया है DD के C460 से। इसके अलावा हमने दो बुलेट ट्वीटर्स ऐड करे हैं पीछे सेपरेटली, जिनको हमने ब्रिज करके JVC पे ऐड किया है। सो दिस इज लाइक एडिंग फोर चैनल एम्पलीफायर फॉर द बुलेट ट्वीटर्स एंड वन फोर चैनल एम्पलीफायर फॉर द कंपोनेंट स्पीकर्स। रेस्ट हमारा सेकेंड स्टेज बच जाता है, विच इज द वूफर, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया। वूफर के लिए हमने यूज किया है कापा वन,
कापा वन इज अ मोनो एम्पलीफायर ओनली डिजाइन फॉर अ सबवूफर. इसको हमने ड्राइव दिया है एक डीडी के 612 के साथ. सो वी हैव यूज्ड अ कॉम्बो ऑफ डीडी 612 सबवूफर एंड वन कापा मोनोब्लॉक. सो हमारा ये सेटअप कंप्लीट होता है जिसमें कि हमारा बेस भी आ गया, कंपोनेंट्स भी आ गया. एंड बिकॉज बेस आया, कंपोनेंट्स आया, सो वोकल क्लैरिटी है हमारे पास, बेस है, थोड़ा सा ट्रेबल लैक करता है. तो ट्रेबल को फुलफिल करने के लिए वी हैव एडेड अ सेट ऑफ बुलेट मीटर्स. सो नाउ वी आर गेटिंग ट्रेबल, वोकल एंड बेस ऑल टुगेदर इन वन कैबिन. सो नीट एंड क्लीन साउंड. एंड जितना भी आप लाउड कर लें, देयर इज नो डिस्टॉर्शन एट ऑल. तो स्पीकर ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे कि फोकल, देन जेएल ऑडियो, उसके बाद डीडी, एवटार भी मिलेगा जो कि आजकल बहुत ज्यादा इन है मार्केट के अंदर. इन्फिनिटी तो हम इंस्टॉल कर ही रहे हैं, बट यस बात आती है कि जिसका बजट थोड़ा कम है एंड जिसका बजट थोड़ा ज्यादा है वो क्या इंस्टॉल कर सकता है. एंड फाइनली इन्फिनिटी कापा के मुकाबले में कौन सा स्पीकर आ सकता है या कौन से कॉम्पोनेंट्स आ सकते हैं, तो उसका आंसर है जी डीडी ऑडियो. अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स के अंदर देखो इट्स अ कंप्लीट साउंड. यू गेट ट्रेबल, यू गेट वोकल्स, यू गेट बेस. बट अब जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड आपको सारे नोट्स इक्वल एंड प्रोपोर्शनली डिलीवर करे. अब वहां पर आती है चॉइस हमारी ब्रांड की. अब अगर एक कस्टमर हमारे पास आता है हु लिसंस टू ईडीएम, ट्रांस, बेस लवर है, बेस लवर्स के लिए डीडी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड वाइड, बिकॉज डीडी इटसेल्फ इज अ वूफर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड एंड वन ऑफ द बेस्ट वूफर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स रादर. सो वी रेकमेंड कि आप डीडी के चार कंपोनेंट्स डाल लो, एक अच्छा एम्पलीफायर डाल लो कंपैटिबल विद सूट्स योर बजट, बिकॉज डीडी का कंपोनेंट 8000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है एंड गोज अप टू 20,000 रुपीज. तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप चूज कर सकते हो 8000 वाला, 15000 वाला और 20000 वाला. एंड एक अच्छा एम्पलीफायर ऐड कर लो, यू गेट अ ब्यूटीफुल साउंड फॉर इन कैबिन लिसनिंग. अब अगर आपको आउट कैबिन चाहिए तो फिर डेफिनेटली सबवूफर जरूरी होता है, बट डीडी लगा लेंगे तो काफी हद तक आपको वूफर का जरूरत नहीं रहेगा, यू गेट फैंटास्टिक बेस. यहां पर इन्फिनिटी थोड़ा सा लैक करता है. इन्फिनिटी डिलीवर्स फैंटास्टिक वोकल्स एंड ट्रेबल, बट बेस कहीं ना कहीं में थोड़ा सा इन्फिनिटी लैक करता है. सो डेफिनेटली फॉर बेस लवर्स वी रेकमेंड कि आप डीडी लो. एंड फॉर वोकल लवर्स, ट्रेबल लवर्स, साथ में जिन्होंने वूफर भी ऐड करना ही करना है, डेफिनेटली वी कैन गो इन फॉर इन्फिनिटी एज वेल. सो ये तो है अगर आप स्पीकर चॉइस करना चाहते हो. सो फाइनली द ब्यूटिफुल शाइनिंग मर्सिडीज इज हेयर, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा और बढ़िया सेटअप करा है, ऑडियो सेटअप करा है. एंड कार कुछ ऐसी है दिखने में, पहले कार देख लो उसके बाद सेटअप मैं दिखाता हूँ आपको. सो ये पूरा व्यू है कार का एंड इट्स लुकिंग डैम ऑसम. ठीक है, तो सीधा चलते हैं बूट की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करी गई हैं. सो हेयर इट इज, तो ये पूरा सेटअप करा गया है यहाँ पर. एंड सचिन जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो सबके दिमाग में आएगी, सबसे पहले तो इसकी स्टेपनी कहाँ रखी गई है. सी मर्सिडीज के अंदर द वर्स्ट पार्ट इज कि स्टेपनी का प्रोविजन कंपनी अंडर द ट्रे जो मैं मेरे हाथ में है इस टाइम, इस ट्रे के नीचे नहीं होता. ओके, मर्सिडीज की सी क्लास के अंदर स्टेपनी इसके ऊपर रखी जाती है. ओके, जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है इस कार के अंदर बिकॉज ओनर ने स्टेपनी को अपने घर पे रख दिया है. एंड हमारे पास जो स्पेस बचता है फॉर एडिंग एम्पलीफायर्स वो नीचे का स्पेस है जो कि बेहद खाली आता है कंपनी से. हमने इसको यूटिलाइज किया है टू एड एम्पलीफायर एंड अ प्रोसेसर. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर चीज बहुत परफेक्टली इंस्टॉल करी गई है, बहुत नीट एंड क्लीन, प्लस हर एक तरीके का प्रिकॉशन लिया गया है इंस्टॉलेशन के टाइम. नाउ सबसे बड़ी बात आती है सर, हमने इसके अंदर वायरिंग कौन सी यूज करी है. इसके अंदर हमने 100% कॉपर वायर यूज करी है जो स्कोश की आती है. ओके, स्कोश बेसिकली इज वन ऑफ द रेनाउंड ब्रांड्स इन वायरिंग सेटअप्स. हम वायरिंग में डे वन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ठीक है, मेक श्योर जो भी गाड़ी में अटैचमेंट हो दैट ऑल शुड बी कपलर टू कपलर. ओके, नाउ नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमने इंस्टॉल करा है डीडी का 612 सबवूफर, जैसे कि आपको सचिन जी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था. यहाँ पर आप देख सकते हो कि वूफर कुछ ऐसा है दिखने में, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा सबवूफर है, इससे अच्छा सबवूफर मैंने आज तक नहीं देखा डीडी से अच्छा. हो सकता है और भी कई हो, बट मेरा जो मानना है कि डीडी का सबवूफर इज द बेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी बेस देता है, हर एक नोट आपको इसमें सुनने के लिए मिलेगा. उसके बाद हम बात करें कि हमने ये वाला एनक्लोजर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, प्लस ये कितने हर्ट्ज पर ट्यून है, तो वो हमें सचिन जी अब बताएंगे. See, इसका जो इनक्लोजर है, दिस इज द इनक्लोजर सजेस्टेड बाय डीडी इटसेल्फ. डीडी अपनी वेबसाइट पे अपने हर सबवूफर्स का
पूरा इंक्लोजर का डायमेंशन देता है जिसको हम लेते हैं एंड एग्जैक्टली उसी डायमेंशन के हिसाब से इंक्लोजर डिजाइन किया जाता है. ओके, सो दैट किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी लॉस ना मिले हमें. सबवूफर का एक एक फ्रीक्वेंसी, एक एक नोट महसूस हो, हमें प्रॉपर बेस मिले लाउड एंड क्लियर. सचिन जी, एक चीज बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रही है. इट्स अ मर्सिडीज, राइट? बट मैं देख जो देख पा रहा हूँ एंड जो हमने बताया कि हमने इसके अंदर पायनियर का प्रोसेसर इंस्टॉल करा है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, प्रोसेसर जो है ये इसका सबसे बड़ा रोल है. जब आप मल्टीपल एम्पलीफायर्स लगाते हैं, आपका जो स्टॉक स्टीरियो आता है जैसे फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो बोलते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने इसके अंदर कोई आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड लगाया है, एंड्रॉयड के अंदर या OEM स्टीरियोज के अंदर हमारे पास सेटिंग पैरामीटर्स नहीं होते, जैसे कि टाइम अलाइनमेंट, जैसे कि 30 बैंड इक्वलाइजर, जैसे कि क्रॉसओवर्स. तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं व्हाइल वी ट्यून अप द सिस्टम. जब आप हर स्पीकर को उसकी एलोकेटेड फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करोगे तो उसमें रोल आएगा आपके प्रोसेसर का. प्रोसेसर ही कैसा प्रोडक्ट है जो कि एलोकेटेड फ्रीक्वेंसीज अपने ड्राइवर्स को दे सकता है. सो दैट इज द रीज़न हमारे लिए प्रोसेसर लगाना ज़रूरी हो जाता है जब हम हाई एंड ऑडियो सेटअप लगाते हैं. जो इसके अंदर हमने सबवूफर यूज किया है, जिसे DD612 मॉडल आपको बताया होगा, उसका जो पावर है दैट इज 300-600 RMS. सो अगर हम एक बात करें, एक मोनो एम्पलीफायर जो कि 500-600 वॉट दे सकता है एक सबवूफर को, उसके लिए 612 इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सबवूफर. इसके अंदर हमने 10.25 इंचेस का एंड्रॉइड सिस्टम लगाया है जो कि हमने बाहर से इम्पोर्ट करवाया है स्पेशली बिकॉज सी क्लास 2017 का एंड्रॉइड सिस्टम अभी ऑल इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो ये स्पेशल ऑर्डर पे इम्पोर्ट किया गया है जिसके अंदर सारे एंड्रॉइड फीचर्स हैं जो जनरली हम और एंड्रॉइड सिस्टम्स में यूज करते हैं. सो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि ये स्टॉक नहीं है, बिल्कुल स्टॉक पोजिशनिंग पे लगाया गया एंड बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रहा है इसके अंदर लगा हुआ. तो अब बारी आती है एक बढ़िया सा आपको आउटपुट सुनाया जाए, और जितने अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमने आपको करा है. अब बारी आती है आउटपुट की. सो हियर वी गो इन 3, 2, 1. अब बात आती है कि स्पीकर्स कहाँ प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है एंड ट्विटर की प्लेसमेंट
यहाँ पर करी गई है जो कि आपको स्टॉक ही मिलती है, एंड ये पोजिशनिंग भी स्टॉक है। इसमें हमने कोई भी छेड़ाखानी नहीं करी, कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करा, हर एक चीज़ स्टॉक प्लेसमेंट पर ही लगाई गई है, पोजिशन करी गई है। एक स्पीकर आपको वहाँ मिल जाएगा, एंड अगर हम बैक डोर्स की बात करें तो यहाँ पर और इस वाले डोर में भी सेम पोजिशन पर लगाया गया है। बात करें जो हमने बुलेट ट्विटर्स यूज़ करे हैं, तो बुलेट ट्विटर्स जो हमने प्लेसमेंट करी है वो इसकी ट्रे में करी है यहाँ पर, जो कि एम्प्टी मिलती है मर्सिडीज की तरफ से। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑडियो सेटअप, इसमें हमने 360 डिग्री वाला कैमरा भी इंस्टॉल कराया। तो सचिन जी थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। हाँ, पर्टिकुलरली इस कार के अंदर फैक्ट्री फिटेड सिर्फ रिवर्स कैमरा आता है और लेफ्ट कैमरा, राइट कैमरा एंड फ्रंट कैमरा नहीं आता, जो कि हमने प्रोवाइड किया है इसके अंदर बाय एडिंग अ 360 डिग्री कैमरा किट। इसे बर्ड व्यू भी बोला जाता है, 360 कैमरा किट भी बोला जाता है। इस किट के अंदर आपके चार कैमरास प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे दिखा सकूं आपको एक बारी, ये कार का पिक्चर बना हुआ है। दिस इज योर 3D कार इफेक्ट, जिसे बर्ड व्यू बोला जाता है। इस कार के अंदर आप देख सकते हैं कि आप फ्रंट कैमरा देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का आपका हाईलाइट हुआ एरिया, विच इज द फ्रंट एरिया। आपके पास एक रिमोट आता है इस तरीके का इस किट के साथ। इस रिमोट से आप इसका बैक कैमरा स्विच कर सकते हैं, इस तरीके से फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, लेफ्ट कैमरा देख सकते हैं आप, आपका लेफ्ट कैमरा, आपका राइट कैमरा। ये तो हो गया जो मैन्युअली आप लोग रिमोट से व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ये कैमरा आपको फ्रंट व्यू दिखाएगा। जब भी आप कार को स्टार्ट करते हैं आपका फ्रंट व्यू ऑन रहता है, आप जब कार का इंडिकेटर देते हैं विच इज लेफ्ट, तो आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट व्यू ऑन हो जाएगा विद द इंडिकेटर, और जैसे ही आप राइट इंडिकेटर देंगे आपका राइट व्यू ऑन हो जाएगा विद योर इंडिकेटर। जब आप वापस ड्राइव मोड पे जाते हैं, फ्रंट ड्राइव करते हैं, तो फ्रंट कैमरा आपको फ्रंट दिखाता रहेगा। यस, डेफिनेटली जब आप कार को रिवर्स मोड पे डालते हैं तो आपकी कार रिवर्स गियर पे रिवर्स दिखाएगी। ये किसी भी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं आप 360 कैमरा किट, जिस भी कार में टच स्क्रीन स्टीरियो हो, प्रेफरेबली आफ्टर मार्केट हो। जो आपकी फैक्ट्री फिटेड OEM स्टीरियोज आते हैं उनमें ये अटैच करना किसी कार से पॉसिबल भी है, किसी कार से पॉसिबल नहीं हुआ हो पाता। बट हाँ, आफ्टर मार्केट पायनियर, सोनी या कोई भी ब्रांड का स्टीरियो हो, उसमें आप इस 360 को ऐड कर सकते हैं। तो एक बारी अगर हम कैमरास की पोजीशनिंग की बात कर लें, तो जो फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल मर्सिडीज के लोगों के ऊपर प्लेस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड का कैमरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड व्यू मिरर के नीचे है। रियर कैमरा आपको यहां पर मिल जाएगा नंबर प्लेट के ऊपर। लास्ट जो कैमरा बचता है वो राइट हैंड साइड साइड व्यू मिरर के नीचे। सो नाउ इट्स टाइम इस इंफॉर्मेटिव एंड क्लासी वीडियो को एंड करा जाए, और जितनी भी अच्छे तरीके से हम दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे हमने ऑडियो सेटअप के बारे में, जो कि हमने मर्सिडीज में करा है, वो आपके साथ शेयर करा है। सर क्या प्राइसिंग रहने वाली है? देखो इस गाड़ी में अगर हम बात करें फॉर द एंटायर ऑडियो सेटअप, द फ्रंट हेड यूनिट सेटअप जिसमें हमने 10.25 वाला एंड्रॉयड सिस्टम लगाया है, प्लस 360 डिग्री कैमरा सेटअप, मैं इंटायर सेटअप की बात करूं तो इट इज 2.5 लाख रुपीस जिसका इंटायर सेटअप कॉस्ट आया है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड एवरी हिडन कॉस्ट। ओके, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है इसमें। तो 2.5 लाख रुपया लगा है इस पूरे सेटअप के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिटिंग एक नंबर, फिनिशिंग एक नंबर, बहुत परफेक्टली सारा काम करा गया है कार मैन इंडिया पर। तो सर अगर किसी को ऐसा ही बढ़िया सेटअप करवाना है तो कहाँ पर आना पड़ेगा? पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन ईस्ट, पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन वेस्ट के बिल्कुल बीच में पिलर नंबर 226 है, मेन रोड पे हमारा शोरूम है कारमैन इंडिया के नाम से, और गूगल हमारा गूगल लिंक भी है, और गूगल पे हमारा एड्रेस अपडेटेड है। आप जैसे ही कारमैन इंडिया डालेंगे गूगल पे तो आपको प्रॉपर लोकेशन के साथ एड्रेस आ जाएगा। तो गूगल लिंक आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टिल हम बात करें वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग डेज की। वर्किंग आवर्स के अंदर हमारा मॉर्निंग 11 o'clock शोरूम ओपन होता है और रात के 8 बजे तक हम लोग ऑपरेट करते हैं। सो मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 8 o'clock, एंड वेडनेसडे हमारा शोरूम एज वेल एज हमारा इंटायर एरिया इंक्लूडिंग पश्चिम रजौरी गार्डन एवरीथिंग इज ऑफ, बेस्ट जोन इज ऑफ। सो अगर अब कोई क्वेरी रह गई हो तो कॉन्टैक्ट नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पूरी वीडियो में भी फ्लैश होता हुआ आपको नजर आएगा। कारमैन इंडिया पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं सर से, हर एक क्वेरी एंटरटेन करी जाएगी। अगर इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वो लाल कलर का बटन दबाकर, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्पीडी सिंह। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ,
स्पीडी साइन। हेलो, हाँ बस निकल गया मैं। ਚਾਉ ਜੁਰਤਾ ਨਾ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰ ਦੇ ਬੱਲੇ ਆਲਫਾ ਫੇਰੀਓ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਚਾਉ ਜੁਰਤਾ ਨਾ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰ ਦੇ ਆ ਓ ਬੱਲੇ ਆਲਫਾ ਫੇਰੀਓ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ।